Using the computer and managing files. Introduction. हम आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लाइसेंस कोर्स के दूसरे मॉड्यूल में खुशामदीद कहते हैं। पहले मॉड्यूल में आप कंप्यूटर के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात हासिल कर चुके हैं। इस मॉड्यूल में हम आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात फराहम करेंगे। उम्मीद है कि इस कोर्स में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप कंप्यूटर को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बआसानी इस्तेमाल कर सकेंगे। आइए अब VUCPL के इस मॉड्यूल का आगाज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन में आप अपने कंप्यूटर को ऑन ऑफ़ करना सीखेंगे, ना सिर्फ ये बल्कि अपने कंप्यूटर में नज़र आने वाली मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में भी जान जाएंगे। इस लेसन को करने के बाद आप ये जान जाएंगे कि विंडोज़ किसे कहा जाता है और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हर विंडो में मौजूद होती हैं। इस लेसन में आप ये भी सीखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं और आपके कंप्यूटर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। यहाँ तक कि आप ये भी जान जाएंगे कि आपके कंप्यूटर पर कितनी कैपेसिटी की रैम मौजूद है। इसके अलावा आप सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड भी जान सकते हैं और अपने सीपीयू का ब्रांड भी देख सकते हैं। इससे आप बआसानी अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी आपको अपने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड, रैम की कैपेसिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन पता चलता है। इस लेसन के आखिर में आप अपने कंप्यूटर से मदद भी ले सकेंगे, जिसका मतलब है कि आप कंप्यूटर पर काम करते हुए अगर मुश्किल महसूस करें तो आपको इस मुश्किल से निकलने का तरीका भी कंप्यूटर से ही मिल जाएगा, यानी कंप्यूटर आपकी मदद भी कर सकता है। स्टार्ट द कंप्यूटर। सबसे पहले हम कंप्यूटर को चलाना या ऑन करना सीखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये एक सीपीयू नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस सीपीयू पर एक बटन है। इस बटन को हम पावर बटन कहते हैं। इस बटन को दबाने से कंप्यूटर काम करना शुरू कर देता है, यानी स्टार्ट हो जाता है। कंप्यूटर स्टार्ट होते ही आपके सामने मॉनिटर पर कुछ टेक्स्ट नजर आने लगता है, जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं। कुछ देर के बाद आपके मॉनिटर पर एक स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि डेस्कटॉप क्या चीज है। आइए डेस्कटॉप के बारे में तफसील से जानते हैं। डेस्कटॉप, ये तो आप जानते ही हैं कि मेज को अंग्रेजी में डेस्क कहते हैं। मेज के ऊपर वाले हिस्से को डेस्कटॉप कहा जाता है। जिस तरह आप अपनी मेज के ऊपर बहुत सारी चीजें रखते हैं और उनसे काम करते हैं, इसी तरह आप कंप्यूटर पर भी अपनी पसंद के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की स्क्रीन पर रख सकते हैं। इसीलिए इस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। इस डेस्कटॉप पर जो छोटी छोटी तस्वीरें बनी हुई हैं, इनको आइकॉन्स कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इन आइकॉन्स के नीचे इनका नाम लिखा हुआ है। इस तरह के आइकॉन्स आप खुद भी बना सकते हैं, मगर आइकॉन्स बनाना हम बाद में सीखेंगे। आपको स्क्रीन के निचले हिस्से में एक बार नजर आ रही है। इस बार को हम टास्क बार कहते हैं। इस बार में भी कुछ आइकॉन्स बने हुए नजर आते हैं, मगर कब और कैसे ये हम बाद में देखेंगे। टास्क बार के दाएं किनारे पर आप बहुत से छोटे आइकॉन्स बने हुए देख सकते हैं। टास्क बार के इस हिस्से को हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। टास्क बार के बाएं किनारे पर एक बटन है, जिस पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आइकॉन बना हुआ है। इसको स्टार्ट बटन कहते हैं। शट डाउन द कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर को चलाने का तरीका तो सीख लिया और डेस्कटॉप के बारे में भी काफी कुछ जान गए। आइए अब हम सीखते हैं कि कंप्यूटर को बंद किस तरह किया जाता है। सबसे पहले हम टास्क बार में मौजूद स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। इस बटन को दबाने से आपके सामने एक लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में मुख्तलिफ चॉइसेस हैं। बाकी ऑप्शंस को हम बाद में देखेंगे। अभी हम पहली ऑप्शन यानी शट डाउन पर
क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि अब थोड़ी देर में आपका कंप्यूटर खुद बंद हो जाएगा। अगर आप अपने काम के दौरान ही पावर बटन को दबा देंगे तो न सिर्फ आपका किया हुआ तमाम काम जाया हो जाएगा बल्कि आपका कंप्यूटर खराब भी हो सकता है। यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन विंडोज के बारे में देते चलें। विंडोज के मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ वर्जन्स आते रहते हैं। इनमें मेन फर्क उनके फीचर्स और लुक एंड फील का होता है। जैसे विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 वगैरह। विंडोज के मुख्तलिफ वर्जन्स में कंप्यूटर के शट डाउन का अमल थोड़ा सा मुख्तलिफ भी हो सकता है। ये थे विंडोज के मुख्तलिफ वर्जन। अब हम वापस अपने लेसन की तरफ आते हैं। रीस्टार्ट द कंप्यूटर। अभी हमने सीखा कि कंप्यूटर को बंद किस तरह करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर खुद ब खुद बंद हो और फिर दोबारा स्टार्ट हो जाए यानी रीस्टार्ट हो जाए, तो जिस तरह हमने कंप्यूटर को शट डाउन किया था, इस तरह हम स्टार्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद शट डाउन के साथ बने हुए इस एरो पर क्लिक करते हैं। अब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में से रीस्टार्ट पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर बिल्कुल उसी तरह बंद हो रहा है जिस तरह शट डाउन पर क्लिक करने से हुआ था, और फिर कुछ देर के बाद दोबारा स्टार्ट हो रहा है और आपके सामने फिर से डेस्कटॉप आ गया है। बेसिक विंडो प्रॉपर्टीज। आइए अब हम विंडो प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ सीखते हैं। आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकॉन बना हुआ देख सकते हैं जिसके नीचे कंप्यूटर लिखा हुआ है। इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करते ही एक स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। इस स्क्रीन को कंप्यूटर फोल्डर कहा जाता है। आइए कंप्यूटर फोल्डर को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे ऊपर आप नीले रंग की एक बार देख सकते हैं। इस बार के दाएं किनारे पर आप तीन छोटे से बटन बने हुए देख सकते हैं। सबसे पहले बटन पर डैश बना हुआ है। इस बटन को हम मिनिमाइज बटन कहते हैं। इसको दबाने से कंप्यूटर फोल्डर सिमट कर टास्क बार में आ जाता है। ये देखिए, इस फोल्डर पर क्लिक करने से ये स्क्रीन दोबारा हमारे सामने आ गई है। इस अमल को हम फोल्डर मिनिमाइजेशन या फोल्डर को मिनिमाइज करना कहते हैं। डैश से अगले बटन पर एक डब्बा बना हुआ है। इस बटन को मैक्सिमाइज बटन कहते हैं। इसको दबाते ही हमारे सामने मौजूद स्क्रीन बड़ी हो जाती है और पूरे डेस्कटॉप पर आ जाती है, और ये बटन भी तब्दील हो जाता है। स्क्रीन को बड़ा करने के अमल को हम फोल्डर मैक्सिमाइजेशन या फोल्डर को मैक्सिमाइज करना कहते हैं। इस तब्दील शुदा बटन पर क्लिक करने से हमारी स्क्रीन वापस उसी साइज में आ गई है जिसमें पहले थी। सबसे आखिरी बटन पर क्रॉस बना हुआ है। इस पर क्लिक करने से हमारे सामने मौजूद स्क्रीन बंद हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये फोल्डर टास्क बार में भी नजर नहीं आ रहा, यानी ये फोल्डर अब बंद हो चुका है। इस फोल्डर को दोबारा खोलने के लिए हमें फिर से डेस्कटॉप पर मौजूद कंप्यूटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। अब हम दोबारा इस फोल्डर को खोलते हैं और इस फोल्डर में मौजूद बाकी हिस्सों को देखते हैं। ऊपर वाली बार के नीचे जो बार आपको नजर आ रही है उसमें बाएं तरफ दो बटन्स नजर आ रहे हैं जिनमें तीर के निशान हैं। इनको बैक एंड फॉरवर्ड बटन्स कहते हैं। इन बटन्स के साथ दाएं तरफ एक बॉक्स में कंप्यूटर लिखा नजर आ रहा है। इसको एड्रेस बार कहते हैं। एड्रेस बार के साथ दाएं तरफ एक और बॉक्स है। इसको सर्च बॉक्स कहते हैं। इनको किस तरह इस्तेमाल करना है ये हम बाद में सीखेंगे।
इस बार के नीचे ये एक और बार है। इस बार को हम टूल बार कहते हैं। इस बार में बने हुए बटन्स से हम कई मुफीद काम कर सकते हैं। ये बटन्स हमारे लिए टूल्स का काम करते हैं, इसीलिए इस बार को टूल बार कहा जाता है। विंडो में सबसे नीचे मौजूद बार को डिटेल्स पैन कहा जाता है। इस पैन में आपको कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन नजर आती है। इन सब की तफसील हम बाद में पढ़ेंगे। कंप्यूटर्स बेसिक सिस्टम इन्फॉर्मेशन। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हैं उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, या इस कंप्यूटर की रैम कैपेसिटी कितनी है। ये सब जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर के आइकॉन पर राइट क्लिक करते हैं। आपके सामने एक छोटा सा मेन्यू आ गया है। इस मेन्यू में से हम सबसे आखिरी ऑप्शन यानी प्रॉपर्टीज की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आपके सामने एक और स्क्रीन आ गई है। इस स्क्रीन के एड्रेस बार में सबसे आखिर में सिस्टम लिखा हुआ है। इस विंडो में आपके सामने एक विंडोज का आइकॉन बना हुआ है। इस आइकॉन के साथ सबसे ऊपर विंडोज एडिशन लिखा हुआ है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। विंडोज एडिशन के बाद आप सिस्टम लिखा हुआ देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड कितनी है और आपके कंप्यूटर पर रैम कैपेसिटी कितनी है। जो स्क्रीन आपके सामने है इसमें आप देख सकते हैं कि 6 GB रैम लिखा हुआ है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में रैम की कैपेसिटी और हो, जैसे 2 GB, 4 GB वगैरह। इस विंडो को बंद करने के लिए हम टाइटल बार में बने हुए क्रॉस पर क्लिक करते हैं।